बेटी को क्यों? इस बस से जाना है थोड़ा। क्यों इतना बाल लेके क्या करोगी? क्यों आप नहीं रखते थे क्या? नहीं, हम लोग बचपन में टकली रहते थे, टकली पूरा। मेरे पापा सैलून ले जाते थे और पूरा टकली फोटो होगा, घर जाने से दिखा दूंगी। हम लोग को बचपन में ना सैलून ले जाते थे पापा और टकली करा के लाते थे वहाँ से। पूरा थ्री फोर क्लास तक शायद हमको याद आ रहा है। हाँ, थ्री क्लास तक तो जरूर पूरा टकली करा के ले आते थे। और फिर हम लोग दो तीन दिन तक मैं स्कूल जाना नहीं चाहती थी, बच्चे सब चिढ़ाते थे, टकली तेरे मुंडे में कितना। हाँ, ऐसे हम लोग उसका ठोकरा बोलते हैं, ठोकरा। जैसे कोई टकली हो गया ना, उसके सिर पे ऐसे आपका गिर सबसे ऐसे मारना है। ऐसे मारना है, मतलब वो है टकली। मतलब दो तीन दिन तक स्कूल जाएंगे ना, उसके बाद टोपी पहनकर स्कूल जाया करते थे। वो लोग टकला होता है, टकला। और तुम बनेगी टकली। एक बार स्कूल टकली कराए थे हम लोग, इसलिए तो स्कूल जाना नहीं चाहती थी। नहीं, तब नया स्कूल में एडमिशन हुई थी, तो उसी टाइम ही एक स्कूल से मैं जब पढ़ाई करने गई तो वहाँ पर करा दी उसको टकली। तो वहीं पर से स्कूल जाती थी, तब थोड़ा थोड़ा बाल निकल भी आया था, तब थोड़ा थोड़ा बाल भी निकल आया था। इतना खतरनाक दिखता है बाप रे। और एक बार हम लोग के स्कूल में ना जो यात्री बस सब आके रुकता है, उस टाइम एक यात्री बस आया था, तो वहाँ के सबको ही, मतलब औरत हो या फिर जेंट्स, बच्चे जितने, नहीं सॉरी बच्चे नहीं थे, औरत और जेंट्स, मतलब बूढ़ी हो चाहे ऐसे यंग हो, सबको ही टकला टकली। और हम लोग तो पढ़ाई का क्या, हम लोग का स्कूल का जितना बाकी का कमरा था ना, मतलब खाली जो यूज नहीं होता था, वो लोग वहीं पर डेरा लेकर रह रहे थे। और हम लोग सिर्फ वही लोग को देखने के लिए ही आते थे, जाते टाइम वो लोग हम लोग को पेन और एक एक कॉपी देकर गए थे। बहुत अच्छा लगता था, पर हंसी आज भी याद करते हैं और हंसते टकली टकला सबको देख कर। औरत भी बूढ़ी, सब भी बूढ़ी रहेगी और वाइट वाइट कपड़ा सब पहने रहेंगे वो ना, और टकली, मतलब एक भी बाल नहीं रहेगा सिर पर ऐसे। बहुत खराब बात दिखता है। कुछ नहीं, टकलिया उसमें बोलता है, टकलिया नॉट टकलिया, उसे सुनाई देता है टकलिया बोलता है। हाँ नहीं, उसमें बोलता है वो बोलता है टकलिया, मतलब एकांत, अलोन। और वो रिप्लाई देता है तेरा बाप टकलिया। तेरा बाप टकलिया, टकलिया मतलब मैं भी जो तुमको टकलिया करने का बात बोल रही थी वही टकलिया। टकलिया तेरा बाप टकलिया हो जाएगी मेरी बेटी भी टकलिया। नहीं होना है मुझे। आप लोग बताइएगा कि वो टकली उसको करें या ना करें, है ना? सब बोलेंगे ना करो ना करो, ये वाला कटा नहीं चलेगा। तेरा मुंडू है जापानी, तेरा हाथ हिंदुस्तानी, तेरा मन ही हिंदुस्तानी। हेलो, गुड मॉर्निंग, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक हैं। और थोड़ा सा ज़रा सुबह सुबह मजाक मस्ती हो गया बेटी के साथ, उसका कंघी करना था और मैं चाह रही हूँ उसका थोड़ा हेयर कट कराऊँगी, तो फिर वो करना नहीं चाह रही है। और फिर मुझे थोड़ा है कि उसको थोड़ा सा बस साइज कराना है और वो कराना नहीं चाहती है। आप लोग थोड़ा उसको बोल दीजिएगा मैसेज में, तो मैं उसको दिखा सकूँ। कमेंट करके बता दीजिएगा कि वो काट ले, थोड़ा सा साइज करा ले बस, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है हेयर उसका और इतना ज़्यादा मुझसे नहीं हो रहा है संभालना, क्योंकि वो बांधने भी नहीं देती है ना, ज़्यादातर ऐसे ही ओपन हेयर में रहती है। देखिए, आधा में लगा उसका हेयर को बांध दी और आधा एक तरफ से वो निकाल भी दी। बस अभी जाऊँगी खाना बनाने, 11 शायद बज रहा होगा ना, हाँ 11:30 होने जा रहा है। तो फिर वो भी नहा चुकी है और मेरा भी सारा काम सुबह का हो चुका है। तो आप लोग और भी वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते रहिए। बस हाँ, अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और उसमें आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन में ऑल कर दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए।
तो चलिए चलते हैं, आज कुछ स्पेशल आया है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को क्या स्पेशल आया है किचन में जाने से ही। तो चलिए चलते हैं किचन और दिखाती हूँ क्या आया है। मैं दिखाती हूँ क्या स्पेशल आया है आज। ये देखिए, यहाँ पर चावल चढ़ाई हूँ और यहाँ पर आप लोग देखकर ही समझ गए होंगे, ये है मशरूम जो पर्व छत्तू आया था उस टाइम। एक बार मैं दो रेसिपीज का शेयर कर चुकी हूँ और ये आज आया है, तो मैं सोच रही हूँ इसका रेसिपी फिर शेयर करूँगी, पर कुछ थोड़ा डिफरेंट बनाऊँगी आज विदाउट आलू। तो यहाँ पर मैं इसको भूनने के लिए रखी हूँ, ये थोड़ा फ्राई होगा तो इसमें पानी भी है काफ़ी अभी, तो मैं उसको अभी भून लेती हूँ। देखिए अभी पानी है ज़्यादा और मैं इसमें हल्दी भी थोड़ा ज़्यादा डाल दी हूँ, जानबूझकर थोड़ा ज़्यादा हल्दी डाली हूँ, क्योंकि मशरूम को ऐसे में तो बिना कम हल्दी का खाया नहीं जा सकता। और साथ साथ बारिश हो रहा था ना, तो मुझे लगा कि मैं वॉश करते टाइम भी हल्दी डाली थी, फिर इसमें वापस से हल्दी डाल दी। और ये जब तक इसका पानी जो है सूख नहीं जाता है तब तक फ्राई करूँगी, फिर मैं इसका बनाऊंगी जो बनाना सब्जी जैसे बनाती हूँ बनाऊंगी, फिर आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। तो चलिए एक एक काम ख़त्म करेंगे फिर बात करेंगे। और यहाँ पर मेरा मशरूम फ्राई हो गया है इस तरह से फ्राई कर ली हूँ मैं, थोड़ा सा मतलब जैसे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए वैसे भी फ्राई की हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं प्याज साथ में दो हरी मिर्च को इस तरह से काट कर रखी हूँ, और यहाँ पर 3-4 बस लहसुन की कलियाँ को इस तरह से कूट कर रखी हूँ, और एक चीज जो मसाला है वो है यहाँ पर, ये देखिए ये है सरसों, मैंने बड़ा चम्मच में 1 चम्मच सरसों लिया है, उसमें जीरा जीरा थोड़ा सा बस 2-3 टुकड़ा बोल रही हूँ इतना थोड़ा सा जीरा, और साथ में एक सूखी मिर्च, उसको मैं पेस्ट बना कर रखी हूँ, इस तरह से फाइन पेस्ट बनाना है। और इसको मैं आधा घंटा पहले बना कर रखी थी, नहीं तो सरसों जो है थोड़ा सा कड़वा लगता है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमें मस्टर्ड ऑयल ले लेना है, मैं यहाँ पर 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ली हूँ बड़ा चम्मच में, आप जो भी रेगुलर यूज करते हो ऑयल उसी को ही ले लीजिएगा, पर मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा ही टेस्टी बनता है। और जैसे ही ऑयल गर्म हो गया मैं उसमें डाल दी प्याज, 1 बड़ा साइज का प्याज जो मैं काट कर रखी थी, और प्याज गोल्डन ब्राउन जब हो जाएगा हम लोग उसमें कूटा हुआ लहसुन डाल देंगे, 3 या 4 कलियाँ लहसुन मैंने इसमें कूट लिया था। और इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, लहसुन को ज़्यादा फ्राई करेंगे तो उसका एक ओरिजिनल जो टेस्ट रहता ना वो गायब हो जाएगा, तो फिर उसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, तभी हम लोग डाल देंगे इसमें जो हम लोग मसाला बना कर रखे थे मस्टर्ड सीड का यानी सरसों का। तो वो जो पेस्ट था उसमें मैं 2 कलियाँ लहसुन को पेस्ट भी की थी, तब बोलना भूल गई थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे ही पेस्ट को डाल दिया उसके बाद हल्दी और नमक डाल दूंगी इसमें, हम लोग और एक्स्ट्रा कुछ भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, वरना मशरूम का टेस्ट तो जाएगा, साथ में एक जो सरसों वाला फ्लेवर होता है ना वो भी गायब हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें उसको ज़्यादा पकाना भी नहीं है, मसाला को ज़्यादा भूनना भी नहीं है कि अच्छे से भून जाए, वैसे करेंगे तो फिर हम लोग का सरसों जो है वो कड़वा हो जाएगा। हमें तब तक भूनना है कि जैसे कि उसका थोड़ा सा रो फ्लेवर हल्का सा हट जाए, तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, उसका पानी जो था थोड़ा सा घट गया तो हल्दी का भी फ्लेवर चल गया है, उसी टाइम में पानी इसमें मिला दी 1 कप जैसे, और इतना ही मिलाऊंगी जितना कि हम लोग का मशरूम में अच्छे से मिल जाए, और थोड़ा सा 2-5 मिनट के लिए पकाएंगे तो इस वजह से उतना ही पानी मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा थोड़ा ग्रेवी चाहिए होगा, पर आप उसको अगर ज़्यादा भी डाल दोगे ना तो भी टेस्ट ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का सा ग्रेवी रख सकते हैं आप उसमें। तो देखिए मैं उस टाइम जो फ्राई करके रखी थी मशरूम को उसको डाल देती हूँ, और अभी इसको हम लोग पकाएंगे 5 मिनट पूरा लगातार पूरा लो फ्लेम पर। जैसे ही देखिए 5 मिनट हो गया, मैं लीड को निकाल दी और कुछ इस तरह का बन गया, हमें ऐसा ही बनाना था, रेडी हो गया हम लोग का मशरूम। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इसको एक बार ट्राई भी कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को मेरा मशरूम का रेसिपी कैसा लगा।
मशरूम का, फिर मैं साग चढ़ाई हूँ, बैंगन जलाई हूँ, और क्या करूँगी, और एक तो देखती हूँ कुछ करूँगी, जो कि हम लोग चावल के साथ उसको क्या करके खाएंगे, मिक्स करके चावल में लगा के खाएंगे वैसे ही, नहीं तो देखती हूँ अगर मैं कुछ बना नहीं पाऊंगी तो फिर तो दही है। और ये देखिए एप्रॉन नहीं पहनने का फायदा क्या हुआ, व्हाइट पहनने का फायदा हो गया, व्हाइट पहनने का फायदा नहीं है, एप्रॉन पूरा हल्दी लग गया इसमें, यही करती हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि एप्रॉन सही है, उसको पहने रहो तो कुछ दिक्कत नहीं होता है, बिना पहनने मेरा यही हाल होता है, और जिस दिन नहीं पहनूंगी बर्तन धोऊंगी तो भी वही प्रॉब्लम होता है, भींग जाती हूँ पूरा। तो चलो चलो डांस बाद में करूंगी, चलती हूँ थोड़ा ये सब बना लेती हूँ, फिर आप लोग से फिर मिलूंगी। और एक बार मुंह बना रही है बंदरी। अभी हम लोग का लंच हो गया है और मैं किचन का काम तो सारा ख़त्म कर चुकी हूँ, बस अभी रेस्ट लेने आई थी, पर कपड़ा यहाँ जो है पूरा बिखरा पड़ा था, मैं छत से लेके आई थी, और कल भी जैसे जैसे बारिश कर रहा था कुछ कुछ कपड़ा है जो फिर से धूप में दिखाई थी, वो सबको भी मैं अभी फोल्ड करके रखूँगी, फिर जाके रेस्ट लूँगी, क्योंकि बेड पर ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा, सोने का मन भी नहीं करेगा, एक साइड में कपड़ा रहेगा, आप सोओगे अच्छा से पर चैन से नहीं सोया जाता है ना, तो फिर मैं कपड़ा सबको फोल्ड करके रखूँगी। और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं ये सब काम निपटाने के बाद ही रेस्ट लेती हूँ, मुझे लगता है ना कि काम सब निपटा लो आप फिर सोओगे तो चैन से सो पाओगे, तो इसी वजह से मैं कपड़ा सबको अभी फोल्ड करके रख लूँगी, फिर जाके रेस्ट लूँगी। मैं किचन का तो सारा काम ख़त्म कर दी हूँ, अभी रुके ये सब काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलूँगी। अभी करूँगी खिड़की दरवाज़ा सब बंद, मेरा कपड़ा सब मैं समेट के रख चुकी हूँ, आराम करूँगी थोड़ा सा अभी, और फिर उठने के बाद फिर शाम का काम जो रहेगा, थोड़ा नींद भी लग रहा है मुझे, आज थोड़ा जल्दी नींद खुल गई थी तो अभी नींद लग रहा है, थोड़ा सा सो जाती हूँ, एक डेढ़ घंटा सो लूँगी, फिर उठ के इवनिंग का काम करूँगी। आज के लिए ब्लॉग को यहीं पर स्टॉप करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।